वेलकम टू इजरान्ना बीडी। हेलो भिवर सबाई केमन आशा कर अनेक भलो आखने बस भिडियो देखें सबा के धन्यवाद और शुभकामना जाना। आज के अपन साथे चितई पिठार रेसिपि शेयर करब कि भावे आमी चालीर गुड़ी छाड़ा फुल्को फुल्को नरम तुल तुले पिठा को बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा छाड़ा तैरी करेछी सेटाई आज के आपनादेर साथे शेयर करब। एखाने आमी पिठा बनानोर जोन्नो दो कप परिमाण आतप चाल निये निएछी आर ए आतप चाल आमी छ घंटार मतो भिजिए रेखेछिलाम आर एखन भालो करे धुए निएछी आर एखन एटा आमी ब्लेंड करे नेब। आमी ब्लेंडारे दिए दिच्छी एर साथे एड करे नेछी सात मतो लवण एड करछी एक कप परिमाण भात दो कप चालेर जोन्नो एखाने आमी एक कप परिमाण भात निये निएछी आर परिमाण मतो पानी दिए एखन आमी एटा सुंदर एकटा मसृण बैटर रेडी करब ब्लेंड करे नेछी आमी। आमार खूब सुंदर करे ब्लेंड करा हुए गए छे एकदम ही परफेक्ट हुए छे। आपनादेर जदि एकटू बेशी पतला हुए जाए ताहले एकटू चालेर गुड़ो एड करे नेबेन आर जदि आर एकटू पानीर प्रयोजन हय आर एकटू पानी एड करे नेबेन आर भालो करे बीट करे नेते होबे। एखन आमी एटा वन आवारेर जोन्नो रेस्टे रेखे दिब। फिर এসেছি एक घंटा पर আমার পেস্ট কেমন হয়েছে আপনাদেরকে আরেকটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা রেস্টে থাকার ফলে আরেকটু ঘন হয়েছে। আমি খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে নিয়েছি খুব ভালো করে বিট করে নিয়েছি আর আমি এখানে চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর হালকা করে একটু তেল ব্রাশ করে নিয়েছি আর আপনারা कड़ाई भालो करे हिट करे नेबेन। एखाने आमी सिल्वारेर कड़ाई यूज करछि ए पिठा बानानोर जोन्नो। ए कड़ाई खूब सुंदर फुल्को फुल्को नरम तुलतुले पिठा होबे। आमी कोनो माटिर पात्र एखाने यूज करिनि। आमी बैटर दिए दिएछि आर ढेके दिएछि आर आगे आपनारा कड़ाईटा एकटु भालो करे हिट करे नेबेन एते करे आपनादेर पिठा खूब सुंदर फुलबे। देखते ही पाच्छेन खूब इजिली खूब सुंदर एक असंख्य छित्रीवला पिठा रेडी हो गेछे आर फुल्को हुए देखते पाच्छेन। आमी आरेकटा आपनादेर जोन्नो बानिए देखाछी। आमी एखाने दो चामच करे दिए दिच्छी पेस्ट। एते करे पिठा अनेक सुंदर बड़ो होबे अनेक फुल्को होबे। दो चामच दिले पिठा अनेक सुंदर हय। आमी ढेके किछुक्षण वेट करछि आरेकटा पिठार जोन्नो। আমার আরেকটা পিঠা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কেমন অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত নরম তুলতুলে পিঠা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে ছিঁড়ে দেখাচ্ছি। কোনো ঝামেলা ছাড়াই চালের গুঁড়ি ছাড়াই আপনারা এইভাবে খুব সহজে পিঠা বানিয়ে নিতে পারেন। আজকে আমার রেসিপি কেমন লেগেছে সবাই লাইক কমেন্টস করে জানাবেন। আজ এখানে রাখছি আবার হাজির হব নেক্সট টাইম নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। প্লিজ লাইক কমেন্টস এন্ড সাবস্ক্রাইব।